ये वाला बॉक्स सबसे ज्यादा स्पेशल है क्योंकि इसके अंदर अपने को लाइफ टाइम के लिए फ्री टीवी चैनल मिल रहे हैं, वो भी एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। तो और दोस्तों क्या हाल चाल बताना यार कमेंट करके। तुम में से किसी ने मुझे कमेंट करा था कि यार भैया ये वाला बॉक्स लॉन्च हो गया, इसकी वीडियो बनाओ। अब तुम मुझे कमेंट करो और मैं वीडियो ना लाऊं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? और जिस किसी ने भी मुझे रिकमेंड करा था ना ये बॉक्स, उसको तो भाई दिल से थैंक यू है क्योंकि इतना तरंगी ये सेटअप बॉक्स है जिसकी हद नहीं है। इसके अंदर अपने को एंड्रॉइड प्लस फ्री डीटीएच का कॉम्बिनेशन मिलता है, तो आप बिना इंटरनेट के भी इसको यूज कर सकते हो, प्लस इंटरनेट के थ्रू भी अपन इसको यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा इस बॉक्स में अपने को 2GB की रैम मिल रही है, A53 जैसा एक पावरफुल प्रोसेसर मिल रहा है, उसके अलावा LNB पोर्ट अपने को मिल रहा है, एंड्रॉइड UI अपने को मिल रही है और भी पता नहीं क्या क्या इतनी कम प्राइस में। तो पहले अपन अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, फिर अपन बात करेंगे कि ये बॉक्स है क्या, किन लोगों को खरीदना चाहिए और इसमें अपने को क्या क्या मिल रहा है जो कि दूसरे बॉक्स के कंपेयर में ज्यादा बेस्ट है यार। तो भाई कुछ इस टाइप का अपने को यहाँ पे बॉक्स मिलेगा और ये रिलीपल ब्रांड का है और इस ब्रांड के अच्छे खासे अपने सेटअप बॉक्स पहले भी रिव्यू कर रखे। अब यार इन कंपनी वालों ने ना पता नहीं कौन सा नशे में इस बॉक्स को बनाया। तुम एक बार ये देखो, 2GB की तो इसके अंदर अपने को रोम मिल रही है और 16GB की रैम मिल रही है। भाई 16GB की रैम, सीरियसली यार तुम ध्यान तो दो, तुम लिख क्या रहे हो उसके अंदर। तो बहुत सारी गलत चीजें तो अपने को बॉक्स के ऊपर ही मिल गई है। अब देखते हैं कि बॉक्स में से क्या क्या मिल रहा है। तो सबसे पहले एक बेसिक सी HDMI केबल, एक पावर एडाप्टर, उसके बाद एक रिमोट। और रिमोट भाई अच्छा है, लिटरली में अच्छा है क्योंकि ऊपर की तरफ अपने को सारे होटकी मिल रहे हैं, माउस का डेडिकेटेड बटन है और सारे एसेंशियल बटन और की इसके अंदर अपने को मिल रहे हैं और रिमोट की क्वालिटी अच्छी है। तो या रिमोट इसका बेटर है। और आखिरी में अपना यहाँ पे बॉक्स निकल जाता है जो कि कुछ इस टाइप से अपने पास आएगा। अब सब चीजों को रखते हैं साइड में और देख लेते हैं कि बॉक्स कैसा है और कौन कौन से पोर्ट इसके अंदर अपने को मिल रहे हैं, क्योंकि रेट कम है तो कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग तो हो ही सकती है ना यार। सो कुछ इस टाइप से यहाँ पे बॉक्स आएगा, OTT प्लस DD फ्री HD यहाँ पे मेंशन है। अब ये वाला बॉक्स क्यों स्पेशल है और सबसे ज्यादा यूनिक है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये देखो इसके पीछे के साइड के सारे पोर्ट, देखो पहली बात इसके अंदर अपने को HDMI ईथरनेट का पोर्ट मिलता है, मतलब इंटरनेट तो इसके अंदर चलेगा सही, साथ में LNB का पोर्ट भी मिलता है। और ये LNB का पोर्ट आपके डिश एंटीना से कनेक्ट होएगा जिसके थ्रू आप टीवी चैनल को फ्री में देख पाओगे लाइफ टाइम के लिए बिना इंटरनेट के। अब ये काम कैसे करेगी चीज वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन एक बात थोड़ा सा मुझे अजीब लगी कि इसके अंदर जितने भी पोर्ट अपने को दे रखे हैं ना उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा एवरेज है। एवरेज भी नहीं है भाई, खत्म क्वालिटी इसकी। तो मतलब तुम USB पोर्ट को देख लो, HDMI पोर्ट को देख लो, सबकी क्वालिटी अपने को बिलो एवरेज मिल रही है। हाँ एक बात अच्छी है कि इसके अंदर AV पोर्ट अपने को मिल रहा है, तो बॉक्स तो एवरेज क्वालिटी का है लेकिन इनके डिजाइनर भी एवरेज क्वालिटी के। मैं बताता हूँ क्यों। इसका जो डब्बा था उसके ऊपर लिखा हुआ है 16GB की रैम और बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है 32GB की रैम। मतलब क्या हो रहा है भाई, तुम 16GB 32GB जाने क्या क्या चीजें तुम दे रहे हो यार। तो पूरा फर्जीवाड़ा चल रहा है बॉक्स के अंदर। तो बात तो सही है। अब गाइस अगर इसकी मैं रियल स्पेसिफिकेशन की बात करूँ ना, तो 2GB की रैम और 16GB की इसके अंदर इंटरनल मेमोरी अपने को मिल रही है, लेकिन एक बात यहाँ पे अच्छी है कि इसके अंदर A53 जैसा एक पावरफुल प्रोसेसर यहाँ पे यूज हुआ है जो कि डे टू डे टास्क आपके बहुत ही आसानी से हैंडल कर लेगा। बट इसी के साथ एक बात और ध्यान रखना कि इसके अंदर अपने को वाईफाई 2.0 ही यहाँ पे मिलता है, मतलब 2GHz वाला वाईफाई आप कनेक्ट कर सकते हो एंड कोई ब्लूटूथ का सपोर्ट नहीं मिलता, जो कि मेरे हिसाब से इस बॉक्स का सबसे बड़ा डाउन पॉइंट है। आई थिंक इसके अंदर ब्लूटूथ तो होना चाहिए था ना यार, बट कंपनी वालों ने बहुत कॉस्ट कटिंग करी है ब्लूटूथ में भी। अब ये तो थी भाई अपनी टेक्निकल बातचीत, लेकिन ये बॉक्स किन लोगों के लिए यहाँ पे यूजफुल है और क्या क्या इसमें अपन कर सकते हैं और कैसे लाइव TV चैनल और लेटेस्ट मूवी को अपन फ्री में देख सकते हैं, वो सारी बातें मैं आपको अब बताने वाला हूँ। तो ध्यान से समझना इस बात को। अब देखो ये वाला जो बॉक्स है ना भाई, ये 2-in-1 है क्योंकि इसके अंदर अपने को DD फ्री की फैसिलिटी तो मिलती है, साथ में OTT एप्लीकेशन यानी कि एंड्रॉइड UI भी इसके अंदर अपने को मिलता है। अब जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ना, इसको ध्यान से समझ लेना, नहीं तो ये बॉक्स आपके कुछ भी काम नहीं आएगा, बस पैसे खर्च करने वाली बात रहेगी। तो देखो यार ये वाला बॉक्स के अंदर अपने को दो बड़े फीचर मिल रहे हैं, एक तो है एंड्रॉइड का और एक है सेटअप बॉक्स का। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरीके से अलग काम करता है इस बॉक्स के अंदर, और सेटअप बॉक्स का जो फीचर होता है जिसके अंदर अपन TV चैनल को देखते हैं वो फीचर इसमें बिल्कुल सेपरेटली काम करता है। तो दो फैसिलिटी या फिर दो बड़े फीचर इसके अंदर अपने को मिल रहे हैं और वो दोनों एक एक करके मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अपन एंड्रॉइड की बात कर लेते हैं। तो ये वाला जो बॉक्स है ना, ये प्रॉपर यहाँ पे एक एंड्रॉइड बॉक्स है और एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बेस है, तो इसका मतलब इसके अंदर अपने को एंड्रॉइड UI मिलेगी। अब ये जो एंड्रॉइड UI तुमने देखी,
तुम सोच रहे होंगे कि भैया ये तो सर्टिफाइड बॉक्स है, क्योंकि इस टाइप की यूआई तो सर्टिफाइड बॉक्स में आती है। लेकिन ये बॉक्स इतनी कम प्राइस में आ रहा है ना कि सर्टिफाइड ऑपरेटिंग सिस्टम भी इस रेड में नहीं आ सकता। बॉक्स को तो बहुत दूर की बात। तो इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना वो नॉन सर्टिफाइड है, लेकिन यूआई अपने को प्रॉपर यहाँ पे एंड्रॉइड जैसी मिलेगी। इनफेक्ट इस बॉक्स के अंदर अपने को तीन अलग अलग यूआई के यहाँ पे फीचर मिल रहे हैं, जिसके बीच में आप टॉगल भी कर सकते हो। तो जौन सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पसंद हो उसके अंदर आप स्विच कर लेना और उसको आप यूज कर सकते हो। तो मान के चलो सबसे लेटेस्ट अपना एंड्रॉइड यूआई है, तो अपन उसके अंदर इसको डिफॉल्टली सेट कर लेते हैं। अब एंड्रॉइड यूआई के अंदर अपने को साफ साफ पता चल रहा है कि जितने भी पॉपुलर ओटीटी एप्लीकेशन होती है उन सबको इसके अंदर अपन चला सकते हैं। इसका मतलब गाइस इस बॉक्स के अंदर अपन नेटफ्लिक्स, सोनी लिव, अमेजोन प्राइम, जियो सिनेमा, एमएस प्लेयर, J5, डिस्नी प्लस, हॉटस्टार और भी पता नहीं कौन कौन से एप्लीकेशन इसके अंदर अपन यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट अपने को इस बॉक्स के अंदर प्ले स्टोर भी मिलता है, तो आप अपनी मनपसंद एप्लीकेशन, ओटीटी ऐप, क्रोम, ये सारी चीजें इसके अंदर डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। अब यार मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि इसके अंदर अपने को 2GB रैम के साथ A53 का प्रोसेसर मिल रहा है, और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है जो मैसेज जुड़े हुए काफ़ी लंबे टाइम से, उन्हें तो पता ही होगा कि A53 कितना पावरफुल प्रोसेसर है यार। इसी वजह से अगर आप इसको यूज़ करते हो तो ये लेग नहीं होगा, एक्सट्रीमली फास्ट अपने को परफॉर्मेंस मिलेगी। एक बटन में आपकी सारी एप्लीकेशन ओपन होगी, क्लोज होगी, मल्टीटास्किंग आप इसमें आराम से कर सकते हो। तो कुल मिला के परफॉर्मेंस तो भाई इसके अंदर ताबड़तोड़ अपने को मिलेगी। अब ये तो रही भाई एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात, ठीक है। अब बात करेंगे अपन किसको एज अपन सेटअप बॉक्स जैसे यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो देखो अब मैं यहाँ पे जो बात बता रहा हूँ उसको भी ध्यान से समझना। अब एक सेटअप बॉक्स काम कैसे करता है, अपन घर के अंदर एक सेटअप बॉक्स को इंस्टॉल करते हैं, अपने छत के ऊपर अपन डिक्स एंटीना को यहाँ पे सेटअप करते हैं और उसके अंदर से जो केबल आती है उसको अपन सेटअप बॉक्स के अंदर कनेक्ट करते हैं, यही होता है ना। डेट मीन्स आप यहाँ पे टाटा प्ले, एयरटेल, डिश टीवी, वीडियोकॉन इन सभी को यूज़ करते हो तो वो भी तो एक सेटअप बॉक्स ही है। तो उसी तरीके से ये भी अपना एक सेटअप बॉक्स है। मैंने वैसे वीडियोकॉन, टाटा प्ले इन सबके ऊपर वीडियो बना रखी है, तो वो जो सेटअप बॉक्स है ना उसी टाइप से सेटअप बॉक्स है। लेकिन उन सेटअप बॉक्स में ना एक लिमिट आती है भाई कि आपको अगर ओटीटी एप्लीकेशन यूज़ करनी है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना है या फिर टीवी चैनल देखना है तो हर किसी की कॉस्ट अलग अलग है और आपको महीने के 1000 से 1500 रुपये तो देने ही पड़ेंगे। लेकिन इस बॉक्स में ऐसा नहीं है, अगर आप इसको खरीद लोगे ना तो ओटीटी फ्री में चलेगी, लाइव टीवी चैनल फ्री में चलेंगे, मूवी वो भी फ्री में चलेगी। इनफैक्ट कोई मिनिमम मंथली चार्जेस आपको देना ही नहीं है, मतलब ये बॉक्स टोटली फ्री है, कोई पैसा देने की इसमें जरूरत नहीं है। और ऐसा क्यों, क्योंकि ये डीडी गवर्नमेंट की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। डेट मीन्स जितने भी यहाँ पे फ्री सेटअप बॉक्स होते हैं ना जो कि डीडी गवर्नमेंट अपने को प्रोवाइड करवाती है उन सभी चैनल को इसके अंदर आप देख सकते हो। इसके रिमोट के अंदर अपने को एक DVB का ऑप्शन मिलता है, जैसे इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो सारे चैनल जो भी अपने को इसके अंदर फ्री में मिलते हैं उन सभी को आप देख सकते हो और एंजॉय कर सकते हो, जिसके लिए आपको ना तो इंटरनेट की जरूरत है ना रिचार्ज करवाने की जरूरत है इस बॉक्स के अंदर। अब गाइस सारी बातें आपने समझ ली, अब हम थोड़ा सा कंक्लूजिंग की भी बात कर लेते हैं कि इसकी प्राइस क्या है और किन लोगों को ये खरीदना चाहिए यार, क्योंकि सबके लिए ये डिवाइस नहीं है। ऐसा मत सोच लो कि ये मैं खरीद लूंगा मेरा काम आ जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। तो देखो सबसे पहली बात इसकी जो प्राइस है वो है, थोड़ा देखना पड़ेगा ना यार भूल जाता हूँ मैं, तो ये है अपनी 3350 रुपये और फंटास्टिक प्राइस है भाई। इस रेट में ये कहीं से कहीं तक महंगा नहीं है, क्योंकि अगर आप एंड्रॉइड बॉक्स लेना जाओगे MI का या दूसरी कंपनी का तो वो बॉक्स 4000 रुपये का आता है, तो ये तो 500 रुपये कम में भी मिल रहा है और इसके अंदर तो अपने को सेटअप बॉक्स की फैसिलिटी भी मिल रही है। तो जिस प्राइस में ये आ रहा है ना ये 100% रिकमेंडेड है और ये मैं दिल से बोल रहा हूँ। तो खरीदना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आराम से आप खरीदना ताकि आपको भी बेनिफिट और मेरा भी बेनिफिट। अब बात रही यहाँ पे कि किन लोगों को ये खरीदना चाहिए तो लगे हाथ वो भी समझ लो। देखो आपके पास अगर यहाँ पे पहले से ही एंड्रॉइड LED है तब तो ये आपके किसी भी काम का नहीं है। आपके पास पहले से यहाँ पे सेटअप बॉक्स है टाटा प्ले का या फिर फ्री TV सेटअप बॉक्स तो भी ये आपके काम का नहीं है। अब तुम सोच रहे होंगे जब ये काम का नहीं है तो हम इसको खरीदे क्यों, तो ये उन लोगों के काम का जिनको ये एंड्रॉइड बॉक्सेस खरीदना है या फिर सेटअप बॉक्स खरीदना है और वो दो दो डिवाइस नहीं खरीद सकते, क्योंकि यार दो दो डिवाइस खरीदेगा कौन। तो उन लोगों के लिए बेस्ट है क्योंकि ये 2-in-1 है, इसके अंदर अपने को फ्री सेटअप बॉक्स की फैसिलिटी भी मिल रही है और एंड्रॉइड बॉक्स की फैसिलिटी भी मिल रही है, तो आप आराम से इसको बाय कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो और जो तरीके मैंने बताया था ना टीवी मेट वाले और पिकासो वाले उसको यूज़ करके सारी चीज़ें फ्री में देख सकते हो। अब वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता देना, अगर आपको कुछ भी ऐसा लगा कि भाई ये चीज़ समझ में नहीं आई या फिर थोड़ा सा और क्लियर बताओ इस बारे में तो कमेंट कर देना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये बॉक्स जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, और अगर आप अपने लिए LED खरीदना चाहते हो नहीं तो इस वीडियो को जाके अभी देख लेना, इसके अंदर मैंने बहुत अच्छी LED के बारे में बता रखा है,
2024 की। Score.